Hello everyone, I am Mohit and today we are doing chapter 3rd of class 6th English, The Shepherd's Treasure, एक शेफर्ड का खजाना जो कि चैप्टर का नाम है. अब चैप्टर में पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सा खजाना था उस शेफर्ड का. In a village in Iran, there once lived a shepherd. ईरान के एक विलेज में एक शेफर्ड रहता था. He was very poor, वो बहुत गरीब था. He did not have even a small cottage of his own. वो इतना गरीब था कि उसके पास में अपनी एक झोपड़ी भी नहीं थी. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट. वो कभी स्कूल नहीं गया था और उसने कभी भी पढ़ना और लिखना नहीं सीखा था. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों बहुत कम स्कूल होते थे जिसके कारण वो पढ़ लिख नहीं पाया. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज. अनएजुकेटेड और पुअर होते हुए भी वो जो शेफर्ड था बहुत वाइज था, यानी कि समझदार था, सेंसिबल था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस. वो लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको समझता था, उनके दुख जो होते थे उनको समझता था. सोरो मतलब होता है दुख और जो ट्रबल्स हैं उसका मीन्स होता है प्रॉब्लम्स. तो वो उनके जो दुख होते थे और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको वो समझता था और जो उनको उन प्रॉब्लम्स का सामना करने में उनकी हेल्प करता था, जिससे कि वो जो प्रॉब्लम्स है उनका सामना करेज यानी हिम्मत के साथ कर सकें और अपने इंटेलिजेंस के साथ में उनसे अलग हो पाएँ. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग उसके पास में एडवाइस लेने आते थे क्योंकि वो बहुत समझदार था ना. सोन ही बीकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, जल्दी ही वो अपनी विजडम यानी कि अपनी जो समझदारी थी इंटेलिजेंस के कारण और अपनी जो फ्रेंडली नेचर हम्बलनेस के कारण बहुत जल्दी ही फेमस हो गया. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, उस कंट्री के जो राजा थे किंग थे उन्होंने उसके बारे में सुना और उसको मिलने का सोचा. डिस्गर्ज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड. तो वो जो किंग है वो शेफर्ड की तरह अपना जो रूप होता है यानी अपना जो कपड़े वगैरह होते हैं ना, रवैया जो होता है, एक शेफर्ड के टाइप में बन जाते हैं, एक शेफर्ड का रूप ले लेते हैं, अपना भेस है जो वो बदल लेते हैं और शेफर्ड बनकर और म्यूल पर राइड करते हुए, म्यूल आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, म्यूल के ऊपर राइड करते हुए और वहाँ उस केव के पास चले जाते हैं जहाँ की वो वाइज जो शेफर्ड था, जो समझदार शेफर्ड था वो रहता था, वहाँ चले जाते हैं. As soon as the shepherd saw the traveler coming toward the cave, he rose to welcome him. जैसे ही जो जितनी जल्दी यानी शेफर्ड ने उसे देखा, जो ट्रेवलर्स यानी कि जो किंग आए थे ना मिलने उनसे, उनको उस ट्रेवलर को देखा तो वो आ गया, वो खड़ा हुआ और वेलकम करने के लिए उस केव के सामने आ गया. He took the tired traveler inside the cave. वो उस ट्रेवलर को अपनी जो केव थी जहाँ वो रहते थे, जो ऐसे शुरू शुरू में बताया ना चैप्टर में कि उसके पास अपनी एक झोपड़ी भी नहीं थी, एक कॉटेज भी नहीं थी, वो पुअर था तो वो एक केव में रहता था. उस केव में जब किंग मिलने आते हैं तो वो एज ए ट्रेवलर अपना जो शेफर्ड बन के आते हैं, वो किंग बन के तो आते ही नहीं है, तो वो जो ट्रेवलर आते हैं यानी कि जो शेफर्ड है वो उस ट्रेवलर को वेलकम करता है और केव में ले जाता है. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर ऑफ हिज ऑन मिग्रे मील, तो वो उसे पानी पिलाते हैं और जो मील होता है उनका जो खाना होता है जो शेफर्ड का, वो शेफर्ड उस ट्रेवलर के साथ में यानी किंग के साथ में शेयर करते हैं. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्जेशन. तो जो किंग था उन्होंने पूरी रात वहाँ जो रेस्ट किया और वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे किससे, शेफर्ड की जो हॉस्पिटैलिटी यानी कि जो घर पे उन्होंने उस जो जो ट्रैवलर आए थे शेफर्ड ने, तो शेफर्ड ने किस तरह से उसकी देखभाल की थी जो ट्रैवलर आए थे और किस तरह से आवभगत की थी, तो उस हॉस्पिटैलिटी से और जो वाइज कन्वर्जेशन जो उनकी बातचीत हुई थी, जिस समझदारी के साथ वो बात करता था उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे. दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो जो जब तो अभी भी वो थके हुए थे कहीं पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब जाएंगे वहाँ से, डिपार्ट करेंगे. ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर, तो वो बोलते हैं जो किंग है वो शेफर्ड से बोलते हैं कि बहुत बहुत थैंक यू आपने जो इस तरह की काइंडनेस दिखाई एक गरीब ट्रेवलर के लिए. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मेरा जो रास्ता है बहुत लंबा है, मुझे बहुत दूर जाना है,
परमिट मी टू लीव, अब मुझे आज्ञा दीजिए मैं जाना चाहूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड, अब डायरेक्टली स्ट्रेटली उस गेस्ट की, उस ट्रेवलर की आंखों में देखते हुए वो जो शेफर्ड है वो रिप्लाई करता है, वो बताता है, थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट। तो उसको बोलता है थैंक यू योर मेजेस्टी, थैंक यू राजा साहब, आपने जो आपने इस कॉम्प्लीमेंट विजिट को दिया है यहाँ पे, जो आप यहाँ मेरे एक गरीब के घर जो केव है वहाँ आए और इस तरह से आपने यानी ऊंच नीच का जो अंतर था उसको नहीं देखा। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, जो किंग था वो हैरान था और साथ ही खुश भी था। ही इज़ इनडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, तो उन्होंने अपने आप में सोचा, अब उन्होंने सोचा कि ये तो सच में वाकई में बहुत ज़्यादा समझदार है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है अपने जो काम है वहाँ पे करने के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, तो उन जो किंग थे उन्होंने उस हम्बल शेफर्ड को जो कि वाइज था और हम्बल था, जो फ्रेंडली नेचर वाला था, उसे गवर्नर बना दिया एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. अब जैसा कि जो शेफर्ड है उसके पास में पावर आ चुकी थी, डिग्निटी आ चुकी थी, पर फिर भी वो वैसा का वैसा हम्बल ही रहा। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. जो लोग थे उसे प्यार करते थे और उसे ऑनर यानी उसे सम्मान देते थे, जो उसकी विजडम थी, उसकी समझदारी थी, सिंपैथी जो कि लोगों के लिए दया भावना रखता था, और जो उसकी अच्छाई थी, गुडनेस थी। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सभी के लिए एक जैसा ही था और सभी के लिए काइंड था। हीज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, उसकी जो फेम थी, उसका जो नाम था, वो ऐसे जैसे वो बिल्कुल ना जो बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद होते हैं, जो जस्टिस करते हैं अच्छे से, तो वो वैसी एक फेम बन गई थी और वाइस गवर्नर की जो फेम थी, एक चेहरा, वो पूरी तरह से फैल गया, स्प्रेड हो गया था थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर इस बात के उनके यानी चर्चे होने लगे थे, वो पॉपुलर हो चुके थे। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम, अब जो बाकी गवर्नर्स थे, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, प्रोविंसेस थे उनके, वो उससे जेलस होना शुरू हो गए। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और जो किंग था उसके उनके बारे में, जो शेफर्ड के बारे में गलत बोलने लगे और उनके किंग को बोलने लगे कि वो अच्छा नहीं है, वो ऐसा है, उनके बुरा भला कहने लगे, यानी उनका अगेंस्ट बोलने लगे। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी, तो उन्होंने बताया कि वो डिसऑनेस्ट है, वो बेईमान है और अपने लिए मनी का यानी जो जो पैसे आते हैं ना, जो मनी आती है, मिलती है गवर्नर को बाकी लोगों की जो सर्विस के लिए, वो उसका एक पार्ट रख लेते हैं। दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, वो उस टैक्स का जैसे लोगों से जो टैक्स मिलता है उसे, उसका एक पार्ट रख लेते हैं अपने लिए। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट, उन्होंने कहा वो अपने साथ में हमेशा क्यों रखता है, उन्होंने ऐड करते हुए बोला उस आयरन चेस्ट को, एक आयरन चेस्ट यानी कि एक जो एक तरह से एक बैग बोल सकते हो, एक थैला रखते थे अपने पास में, आयरन चेस्ट रखते थे। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, शायद वो अपने साथ में खजाना रखते होंगे, वही ट्रेजर रखते होंगे जो कि उन्होंने सीक्रेटली कलेक्ट किया है लोगों से, वो एक जो पार्ट जो टैक्स का छुपाया है ना, वो उस ट्रेजर में, वो जो ट्रेजर है वो उस जो आयरन चेस्ट है उसी में होगा। आफ्टर ऑल दे सेड मोकिंगली ही वॉज एन ओल्डली शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, तो इसके बाद में उन्होंने बोला उसका मजाक उड़ाते हुए, मोकिंगली होता है मेक जोक ऑफ समवन यानी कि किसी का मजाक बनाना, ही वॉज एन ओल्डली शेफर्ड, उन्होंने मजाक बताते हुए बोला कि आखिर में है तो वो एक शेफर्ड ही, एक ओर्डनरी शेफर्ड ही तो है, कुड बिहेव नो बेटर, तो वो अच्छा बिहेव कैसे हो सकता है, वो अच्छा बिहेव कैसे कर सकता है। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, स्टार्टिंग में तो जो किंग था उन्होंने इस बात का विश्वास नहीं किया, जो बाकी गवर्नर्स थे बोलते थे उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, पर ये जो राजा था, जो किंग था, ये कब तक इस चीज़ को इग्नोर करता जो बाकी गवर्नर्स उसे कह रहे थे और उनकी जो स्टोरीज वो बताते थे। अबाउट द शेफर्ड वन थिंग वॉज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड,
The new governor did carry an iron chest with him all the time. एक बात थी जो उस राजा ने यानी उस किंग ने डिस्कवर की थी, बात यानी कि इसको ऑब्जर्व की थी कि जो नया गवर्नर था यानी वो जो शेफर्ड था गवर्नर, वो अपने साथ में एक आयरन चेस्ट रखता था हमेशा. सो वन डे द न्यू गवर्नर वो स्मर्न टू द पैलेस. तो एक दिन उस गवर्नर को बुलाया गया. स्मर्न का मतलब होता है कॉल्ड, यानी बुलाना किसी को. तो पैलेस में उसे बुलाया गया. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल. तो वो उस अपने कैमल के ऊपर राइड करते हुए आए. एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक. अब जो बाकी सबकी जैसे एक एक्साइटमेंट थी, एक्साइटेड थे कि वो जो जैसे सब अभी बात कर रहे थे उस आयरन चेस्ट के बारे में, तो वो आयरन चेस्ट थी वो कैमल पे, उसकी जो कैमल की बैक होती है उस पे फास्टेंड यानी बंधी हुई थी जो कि उसके पास ही थी. वो उन सब ने उस चीज़ को देखा. नाउ द किंग वॉज एंग्री. अब जो किंग है वो देखते ही एंग्री हो गया, गुस्से में आ गया. ही थंडर्ड व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी द आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन. तो वो चिल्लाते हुए और थंडर करते हुए गरजते हुए बोला कि तुम हमेशा इस आयरन चेस्ट को अपने साथ क्यों रखते हो, इसमें क्या है, इसके अंदर है क्या. तो वो देखो आगे क्या कहता है. द गवर्नर स्माइल्ड. अब जो गवर्नर है यानी जो शेफर्ड है वो स्माइल करता है, वो मुस्कुरा देता है. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट. तो वो जो सर्वेंट है उसको बोलता है कि उस चेस्ट को लेके आओ जो कि कैमल की बैक पे बंधी है. हाउ एगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट. अब जो आसपास जो लोग थे वो एगरली डिसाइड यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ में देखना चाह रहे थे कि आखिर उस चेस्ट के अंदर जो उसके पास में एक जो अपने सामान रखता था, जो एक बैग था, उसके अंदर आखिर है क्या. बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन्ड. तो वो जो एस्टोनिशमेंट, वो जो हैरानी थी और जो किंग की थी वो खासकर, वो कैसी हो गई जब वो चेस्ट को ओपन किया गया. नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट. कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई सिल्वर नहीं और कोई हीरे जवाहरात नहीं उस चेस्ट में. उसमें निकला एक ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना सा कंबल जो कि उसके हाथ में था, और उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया. होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड दिस माय डियर मास्टर इज माय ओनली ट्रेजर. तो वो किंग से कहता है कि मेरे जो माय डियर मास्टर, ये है वो ट्रेजर, ये है वो खजाना जो अपने पास रखता था मैं. आई ऑलवेज कैरी इट विद मी बट वाई डोंट यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू. तो वो जो किंग है वो पूछते हैं कि पर तुम ये जो ऑर्डनरी सा है, सिंपल सा जो कंबल है, इस ब्लैंकेट को अपने साथ रखते क्यों हो. श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट. तो उसको बोलते हैं कि तुम एक गवर्नर हो ना डिस्ट्रिक्ट के. द किंग आस्क्ड टू विच द शेफर्ड रिप्लाई विद क्वाइट डिग्निटी. अब इस क्वेश्चन का जो शेफर्ड ने रिप्लाई किया पूरी ईमानदारी और पूरे गर्व के साथ, डिग्निटी मतलब गर्व के साथ, प्राउड के साथ जो रिप्लाई किया वो ये था, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड. ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा पुराना सा दोस्त है. यानी वो उसके अपने पास रखता था, तो इस बात पे वो रिप्लाई करता है कि ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा पुराना साथी है, मेरा पुराना दोस्त है. इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स. तो वो कहता है कि ये मेरी तब रक्षा करेगा जब किसी भी टाइम योर मेजेस्टी यानी कि आप जो किंग है उसको बोलता है कि अगर आप विश किया हो, कभी आप विश कर दें ऐसा कि जो मेरे पास नए जो क्लॉक्स हैं, मेरी जो नई चीज़ें हैं वो आप लेना चाहें, तो ये मेरी रक्षा करेगा उस वक्त पे, मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए मैं अपने पास रखता था इसे. हाउ प्लीज द किंग वॉज. तो वो जो किंग था वो बहुत खुश हुआ. एंड हाउ एम्बेरस द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइस मैंस रिप्लाई. और कितना शर्मिंदा हुए होंगे और कितने हो रहे थे वो जो गवर्नर्स थे जो अगेंस्ट बोलते थे उस किंग को, उस शेफर्ड के लिए. वो अब जो रिप्लाई दिया था शेफर्ड ने, उस रिप्लाई को सुनने के बाद बहुत शर्मिंदा हुए. नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड. पर अब वो जानते थे कि जो शेफर्ड है वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा हम्बल और सबसे ज़्यादा जो वाइजेस्ट समझदार इंसान है. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे.
तो किंग ने उसे अब और बड़े डिस्ट्रिक्ट का, और पहले से भी ज़्यादा बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया था एज ए उसको खुश होकर। तो ये थी आपकी स्टोरी एन आयरनियन फोक टेल। ये एक ईरानियन फोक टेल है, ईरान की एक फोक टेल है जो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये आपकी स्टोरी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी, और आप इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।